कंगना रनौत उन फीमेल एक्टर्स में से है जिन्हें लोग द मोस्ट पावरफुल एक्ट्रेस कहने से हिचकिचाते नहीं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस तो कंगना का है ही, लेकिन ऑफ स्क्रीन निजी जिंदगी में कंगना डिप्लोमेटिक होने में यकीन नहीं रखती। कंगना को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके बारे में कोई क्या सोच रहे है। हाई प्रोफाइल डायरेक्टर रहे या स्टार किड या अवार्ड फंक्शंस की चकाचौंध, कंगना इन सब चीजों से बेफिक्र है। लेकिन जिन जिन लोगों ने कंगना के साथ काम किया है वो जानते हैं कि कंगना कितनी सादगी से पेश आती है, कंगना कितनी डाउन टू अर्थ है, कंगना कितनी फोकस्ड है अपने चॉइसेस और डिसीजंस को लेकर। उनका अपना ही एक स्वैग है। आप सभी दर्शक जब कंगना की बातों को सुनते हैं, इवेंट्स पर कंगना के मीडिया के सवालों का कूलली एंड कामली बड़े लॉजिक के साथ जवाब सुनते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं क्यों हम कह रहे हैं कि कंगना है द मोस्ट हम्बल स्टार। ऑफकोर्स लगती है आपको, मैंने उस दिन भी इस चीज़ का जवाब दिया था कि आपकी जब डेब्यू फिल्म होती है और वो इतना अच्छा करती है और 100 करोड़ करती है, तो मेरे लिए इससे मतलब सब कुछ ही नया है यहाँ पर और सब कुछ बहुत मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं हमेशा से फिल्म करना चाहती थी और मैं कर रही हूँ और मेरी 100 करोड़ कर ली और कंगना ने डायरेक्ट की, सो इससे बड़ी चीज़। बट आई पर्सनली फील दैट द काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेज अंकिता हैज़ वर्कड, द काइंड ऑफ सिचुएशन शी हैज़ वर्कड, शी डिजर्व्स अ much bigger and much better debut. That's my feeling as a director. हमने जो गाना शूट किया है वो अंकिता ने हाफ नाइट में किया है, जबकि वो गाना आइडियली 12 दिन शूट होना चाहिए था, बिकॉज दैट इज़ हाउ अ रेगुलर सॉन्ग ऑफ दैट नेचर इज शॉर्ट फॉर 10 to 12 डेज। अंकिता ने वो आधी रात में किया है बिकॉज ऑफ बजट कंस्ट्रेंट्स, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन वी वर इन, शी डिड नॉट हैव इवन टाइम टू डू अ सेकेंड टेक। तो आप सोच सकते हैं हमने किस सिचुएशंस में फिल्म शूट की है। शी डिड नॉट, वी डिड नॉट इवन हैड द टाइम टू इवन कर्ल हर हेयर। सो कहने का मतलब है आई फील शी डिजर्व्स टू बी यू नो लिट मोर ब्यूटीफुली एंड शी डिजर्व्स अ बेटर डेब्यू, बट एनीवे देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। आई एम सो प्राउड ऑफ कंगना, गॉड ब्लेस हर, इट टुक करेज टू डू व्हाट शी डिड एंड सिंगल हैंडेडली मेक अ ब्रिलियंट फिल्म। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर एंड आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट। सब साथ में लो, सब जाना छोटे मोटे। अरे बस करो, चलो चलो भाई, बोलो कमला खाली छुट्टियाँ अच्छी थी। तो दोस्तों, कंगना के इस पर्सनालिटी, उनके निडर स्वभाव को हम तो दाद देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कंगना हम्बल स्टार कहलाने के लायक है? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स। मैडम यहाँ पे आ सकते हैं सेंटर में, पीछे जाओ ना दादा, कार पूरा नहीं आ रहा है। कंगना मैम